अगर हम फार्मा फ्रेंचाइजी में बेनिफिट्स की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनी और जो इंडिविजुअल एज ए फ्रेंचाइजी काम कर रहा है, दोनों के लिए ही वहां पे बेनिफिट होता है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो एक लार्ज सेल्स टीम का जो एक्सपेंसिज है उसको प्रिवेंट कर लेती है वहां पे, और जो एक इंडिविजुअल है एज ए फ्रेंचाइजी काम कर रहा है वो एक छोटी स्मॉल टेरिटरी में काम कर रहा है, तो उसके लिए एक लंबी प्रोडक्ट रेंज और वो जो एक मिनिमम क्वांटिटी उसको प्रिक्योर करनी पड़ेगी अगर वो मार्केटिंग करना है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे जो उसका खर्चा आएगा उसको प्रिवेंट कर सकता है वहां पे, तो दोनों के लिए ही एक बहुत ही मेजर एडवांटेज यहाँ पे रहता है। दोनों के ही बहुत एक्सपेंसिव यहाँ पे बच जाते हैं अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनी के बेनिफिट्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो उसके जो सेल्स टीम के एक्सपेंसिज है वो यहाँ पे प्रिवेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसको कोई भी डायरेक्ट सेल्स पर्सन यहाँ पे अपॉइंट नहीं करना है। वो एक सिंगल प्लेस से पूरे ऑल ओवर इंडिया अपने प्रोडक्ट को या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। जो उसकी मार्केटिंग कॉस्ट हो जाती है वो बिल्कुल ही लेस यहाँ पे हो जाती है, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो जाती है वो भी बहुत कम हो जाती है, जो प्रॉफिटेबिलिटी रहती है वो भी ऑलमोस्ट एक उसी कंपनी के बराबर रह जाती है जिस जो डायरेक्ट अपने सेल्स फोर्स को रख के काम करता है, और उसको केवल अपने जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है और स्टॉक मैनेजमेंट पे ही कंसंट्रेशन करना है। सेल्स पार्ट उसकी फ्रेंचाइजी यहाँ पे हैंडल करते हैं। अगर हम फ्रेंचाइजी के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो एक स्मॉल स्केल पे वो बिजनेस बिल्कुल ही लो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकता है, अपना खुद का बॉस, क्योंकि उसका खुद का ही डिस्ट्रीब्यूशन काम है तो वो उसको एक एज ए ओनर काम करता है, आराम से ये शुरू किया जा सकता है। और उसको रेडी टू सेल प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं, प्रमोशनल इनपुट भी मिल जाते हैं डॉक्टर्स भी प्रमोशन के लिए, और ये है कि उसके पास जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो भी बहुत ज्यादा रेंज उसके पास आ जाती है, और उसको इन्वेंट्री का वहां पे डर नहीं रहता, और जो उसकी रिस्क इन्वॉल्वमेंट है वो मिनिमम हो जाती है, एक अच्छा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन यहाँ से वो निकल जाता है। उसके पास कोई सेल्स प्रेशर नहीं रहता क्योंकि वो अपने हिसाब से अपनी आजादी से यहाँ पे काम कर सकता है, और उसके पास मोनोपोली राइट्स होते हैं तो दूसरे एरिया से उसके एरिया में माल आने का खतरा उसको नहीं रहता है, और बहुत सारी फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी अवेलेबल रहती है तो वो किसी भी कंपनी को चूज करने के लिए यहाँ पे फ्री होता है।